राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर से श्रद्धालु अलग अलग चीजें चढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में 20 जनवरी को यूपी के अलीगढ़ जिले से श्रद्धालु 400 किलो से ज्यादा वजन का ताला और चाबी लेकर अयोध्या पहुंचे। आपको बता दें कि 400 किलो वजनी इस ताले को बनाने में 6 महीने का समय लगा, जिसे भेंट स्वरूप महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेंट करेंगी। उन्होंने इस पर बात की, साथ ही विपक्षियों पर निशाना भी साधा। एक सबसे बड़ा मैसेज अलीगढ़ की ओर से समूचे विश्व के उन विरोधियों के लिए है जो चिल्ला चिल्ला कर भौंक रहे थे कि राम मंदिर कब बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, तारीख ही बताते रहेंगे और मेरे प्रभु राम को राजनीति से जोड़ रहे थे, उनके मुंह पर ये ताला लगा दिया गया है। ताले को लेकर अयोध्या पहुंचे अन्य श्रद्धालुओं का क्या कहना है, सुनिए। ये जी अलीगढ़ से आया है और ये इसका वजन तकरीबन 450 किलो है और इसकी चाबी का वजन कम से कम 30 किलो है और इनको जो इसने बनाया है उनका नाम सत्यप्रकाश शर्मा है, जिनका देहांत हो गया है और इनका जो आगे का प्रक्रिया पूरी की है वो अन्नपूर्णा जी ने की है, जो अलीगढ़ के महामंडलेश्वर जी हैं और जिनका मंदिर है बंगलामुखी मंदिर। ये मतलब एक जैसे हर जगह की वो होती है, जैसे आपके यहाँ का कुछ मतलब मशहूर चीज़ होती है, ऐसे हमारा अलीगढ़ का ताला मशहूर है, इसी वजह से ये इसको भेंट के तौर पर एक चिन्ह के तौर पर दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि इसको कुछ जानकारी है आपको कि कितने दिन इसे बनाने में लगे या कितने कारीगर लगे, ऐसी कोई जानकारी? इसके इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये सुनाया था मैंने, वो इसके 150-200 महीने में बताया है, 6 महीने, 6 महीने का भी। कितने जो लोग हैं वो लगे थे, ये कोई जानकारी? 6 लोग। आपको बता दें कि ताला 2 साल पहले अलीगढ़ के नौरंगाबाद निवासी बुजुर्ग दंपति सत्यप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मिणी शर्मा ने बनाया था, लेकिन पिछले दिनों सत्यप्रकाश शर्मा का निधन हो गया। उनकी इच्छा थी कि इस ताले को अयोध्या धाम भेंट किया जाए, जिसकी पूर्ति महामंडलेश्वर कर रही हैं।